शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मायूस नहीं किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मायूस नहीं किया। और जब हमने अवामी मार्च का ऐलान किया सिलेक्टेड ना अहल ना लायक हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू किया, थट्टा के अवाम ने आज भी हमें मायूस नहीं किया है। जो तारीखी इस्तकबाल थट्टा के अवाम ने आज अवामी नाच में शामिल हुए हैं, ये एक पैगाम है, एक ट्रेलर है, एक झलक है इस्लामाबाद वालों के लिए कि ये है पाकिस्तान का आवाम का जोश, जज्बा, नाराजगी। पाकिस्तान के आवाम इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम महंगाई में डूब रहे हैं, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। ना गैस है ना बिजली है, पेट्रोल की कीमत आसमां को छू रही है, ज़रात कुतबा कर चुका है, ज़रात हमारा मईशत का बैकबोन है। खान साहब ने ज़राई शोबा को तबाह किया है, कभी पानी का बहरान हो तो टिड्डी दल का हमला हो या यूरिया का बहरान हो, खान साहब ने किसान को हारी को लावारिस छोड़ा है, मजदूर मेहनत को तो कर रहा है मगर मजदूरों को मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। किसान मेहनत कर रहा है, हारी मेहनत कर रहा है मगर फसल की कीमत नहीं मिल रहा। नौजवान मेहनत कर रहा है, दो दो तीन तीन डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं मगर रोजगार नहीं मिल रहा। ये किस किस्म का नया पाकिस्तान है, ये किस किस्म का नया पाकिस्तान है जहां सूबों के हकूक पे टाका मारा जाता है, शहरियों के हकूक पे टाका मारा जाता है, कभी मीडिया पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है, कभी हमारा अदलिया पे हमला होता है, कभी पार्लियामेंट पे हमला होता है। हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे कि आप वोट किसी एक जमात को दे दें, इलेक्शंस में आप हिस्सा लें मगर दांडली के नतीजे में एक कठपुतली निजाम मुसल्लत किया जाता है। आज भी